आज निंदा का करने वालों को क्या परिणाम मिलता है, खूब खतरनाक है ये, जरूर ध्यान से सुनिए। शायद हम कल गलती नहीं करें, अगर आज भी हो गई है तो हम माफ़ी मांग लें। बीरबल को अकबर ने कहा, मैंने सपना देखा कि तुम खड्डे में गिरे थे, मैं अमृत कुंड में था, तुम कचरे में थे। बीरबल समझ गया कि इसको कैसे सिखाऊं मैं सबक। जिस इंसान ने इतनी इज्जत बनाई हो, 50-60 साल लगाए हों हम सब ने, और एक मिनट में दूसरा हमें नीचे गिरा दे, कितना बुरा है ना ये। कितना तन मन लगा के आहुतियां दी होंगी अपनी उस इज्जत को बनाने के लिए, और ऐसे लोग मिल जाएं जो एकदम से हमें गिरा दें। तो बीरबल ने उसको सबक सिखाने के लिए कि आगे से राजा किसी और से गलती ना करे। बीरबल ने कहा, महाराज जहाँ पनाह, मैंने सपने को आगे में देखा कि आप मुझे चाट रहे हैं, मैं आपको चाट रहा हूँ। आपने तो कह दिया, अकबर को कीचड़ और बीरबल को अमृत दिखाई दिया। अभी सोचो, जिसका हम मजाक उड़ाते हैं उसकी आत्मा कितनी रोती होगी। हम कंट्रोल नहीं, भगवान जी ने क्या बोला, 32 दांत हैं, सोच के बोलो। सच्चा साथी पढ़ लिया करिए, अभी तो घर में ही है, कितना फ़र्क पड़ता है। ये हमारा मन जो है, इतना गुरु होने के बाद, स्त्री होने के बाद, फिर भी घर में वैसी वाइब्रेशन चार्जिंग नहीं हो पॉजिटिविटी की, तो हम मुँह से निकल आता है। वो इंसान हमको बद्दुआ देगा, दुआ थोड़ी देगा। बद्दुआ तो माँ की भी लग जाती है, दुनिया में दुआ तो फलती है या नहीं ये पता नहीं, बद्दुआ तो माँ की भी लग जाती है। हमारी एनर्जी को हम पॉजिटिव में कैसे बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। आज ही प्रॉमिस कर लीजिए, मैं आज से ही किसी की निंदा नहीं करूँगी, आलोचना नहीं करूँगी। करूँगी तो तारीफ करूँगी, प्रशंसा करूँगी, निंदा नहीं। भगवान जी ने बोला ना, तुम किसी की प्रशंसा करते हो तो वो हमारे, हम उसके पुण्य कर्म लेते हैं, निंदा करते हैं तो वो उसके पाप कर्म हमारे पर आते हैं, तो ऐसा अत्याचार हम क्यों करें। एक हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी सुनिए, जैसे महासती थी सीता को, देखो जरा कैसे उसका, उसकी निंदा जिन्होंने करी, सीता को कितना भुगतना पड़ा। इतनी बड़ी महान विष्णु की पत्नी, विष्णु अवतार में राम की पत्नी, कितनी बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ा। पहला क्या हुआ, वनवास मिला उसे, उसकी आलोचना करके लोगों ने वनवास भेज दिया। फिर उसको वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, फिर असमय, समय से पहले ही वो पृथ्वी में समा गई थी। कितना दुख लगता है, और वो लोगों ने भगवान की पत्नी को भी नहीं छोड़ा है, कैसी दुनिया है ये। यही तो मेरा निश्चय होता है भगवान जी मिलने के बाद, मैं तो नहीं आऊँ इस दुनिया में दोबारा, नहीं। अभी तो और भी भगवान जी के, 2000 के बाद देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है, कहाँ कोरोना, COVID-19, वैक्सीनेशन, सारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हम जैसे लोग भी ऐसा करेंगे तो फिर बचाएगा कौन, कैसे बचेंगे। ना किसी संत की निंदा, ना किसी संसारी की निंदा, ना किसी की निंदा, क्यों अपने पे पाप चढ़ाएं हम। इसको हिंदी में ओछी सोच कहा जाता है, छोटी सोच।
जैसे कोई एक सेवादार बाई जो है बाइक के साथ बैठेगी, सेठ सेठ के साथ बैठेगा, ड्राइवर ड्राइवर के, सत्संग में बताते थे सारे हमको। हमारी ऊंची सोच, ऊंचे लोगों का संग हो तो ये सब नहीं हो ना। ऊंचे लोग पैसे वाले नहीं बोल रही हूँ मैं, ऊंचे विचारों वाले, अध्यात्म वाले, देवता लोग। जैसे सीता का उदाहरण देना पड़ रहा है, हम अपना आईना देखते हैं, बाल संवारते हैं, क्रीम लगाते हैं, चेहरे को देखते हैं, मसाज करते हैं, लेकिन कभी एकांत में बैठकर देखें अपने चेहरे, अपने को मनन चिंतन करें कि जो सुंदर चेहरा दिख रहा है गोरा गोरा, उसके अंदर काला कितना है। काला चेहरा जो दूसरों की कमियां देखता है वो कमीना होता है। खासियत देखने वाले का खूबसूरत चेहरा होता है, जो दूसरे की खासियत देखता है वो खूबसूरत होता है। चेहरे को हम रंग तो रंग चेहरे का रंग तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मैं अपने मन और भाव दशा को तो बदल सकती हूँ ना। क्यों मैं भगवान जी के पास भेजी गई हूँ? अपने को और रिफाइन करने के लिए। जी ओ डी गॉड ना भी बन सके, जी ओ ओ डी गुड तो बन जाए। भगवान ने तो, दादा भगवान ने हमेशा बोला, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। तो फिर हमारे अंदर ये सब क्यों आए? हरि ओम का नाम जाप नहीं करना है, अपनी कमियों को कैसे, कमजोरियों को कैसे ठीक करना है उस पर मनन करना है। सबको क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज निंदा कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट करें कि हम कल हो ना हो, ऐसा एक गाना भी है, लेकिन हम देखें अभी के समय तो यही बोलें, चलो अभी अभी मना लो, बात कर लो, कल हो ना हो, प्रॉमिस कर लें, आज से हम जो करेगा हम उसको, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। निंदा करनी है तो मुंह पर कर दीजिए, तारीफ करनी है तो 10 लोगों के बीच में उसकी तारीफ करिए। कंजूस मत बनिए निंदा वो करने, कंजूस बनिए निंदा के लिए, दानवीर बनिए प्रशंसा के लिए। दानवीर कौन होता है? दो दो हाथों से लुटाता है, 5-10 मिनट लग जाए उसकी तारीफ करने के लिए, और वो भी पब्लिक में करें, औरों से करें, निंदा अकेले में करें। घर में, कई घरों में, मिडिल क्लास फैमिलीज में भी होता है, हायर फैमिलीज में भी होता है, इस चीज़ का तो कभी मुसीबत टली ही नहीं है सास बहू की। हमेशा ताने मिलेंगे, तुम्हारी माँ ने ये सिखाया, बाप ने नहीं। आजकल की वैसे लड़कियाँ नहीं सुनती हैं, वो उनकी अपना धन होगा, उनको ऐसे में रहने ही नहीं मिलता है। हम ऐसा धन बनाएं गुरुओं वाले घरों से, कल को शादी भी हो तो हम ऐसे में रहें कि हमें ऐसे वाले लोग ही नहीं मिले। ऐसा लगता है वो सास नहीं, माँ नहीं, एक दुश्मन है। माँ आलोचना करेगी, उसको समेटेगी जल्दी जल्दी, और सास उसको गा गा के, ऐसे हाथ फैला फैला के उसकी बातें करेगी। बहु हाथ, सास हाथ माथे पे हाथ रख के, पता नहीं ये नहीं क्या 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 क्या। जब हमें ज्ञान में पता चल गया हमारा कार्मिक अकाउंट है, आप शादी के लिए कितनी लड़कियां देखते हो, लड़के के लिए कितनी लड़कियां देखते हो, लड़की के लिए कितने लड़के देखते हो, लेकिन आता वही है जिसने, जिसके साथ कार्मिक अकाउंट है। जे भगवान जी के ज्ञान से हमको पता चल गया, फिर उल्टा माफियाँ शुरू करनी है जहाँ कर्म और बनाने हैं। एक बात कभी सोचा है, हमारे काम कौन आता है? बहू या बेटी? शादी होगी, दहेज दे दिया, सब दे दिया, अभी जाइए कन्यादान कर दिया, अभी क्या पूरी उम्र के लिए हम माँ बाप का खून चूसेंगे, बातें करेंगे, दुख भी सुनाएंगे? और बेटी से पूछो साल में कितनी बारी काम आती है माँ के, 5 बारी 10 6 बारी 10 बारी, और बहू तो 365 दिन काम आएगी ना। जब अपना ही इंसान है, अपने ही घर में किसी के साथ भी बात ही नहीं करो, ज्ञान वाला फिर हम नहीं हैं, फिर हमको हर जन्म में भगवान जी नहीं मिलेंगे, अभी भी हमारे से दूर हो जाएंगे। इस निंदा के ऊपर एक दृष्टांत है, सुन लीजिए, शायद हमारी आंखें खुल जाएं। पहले भी शायद सत्संग में सुना ही होगा, गोबर वाला दृष्टांत है। एक राजा के पास एक संत आया भिक्षा लेने के लिए, तो राजा वो अच्छा नहीं होगा, बोलता जा जा जा, मोटा तगड़ा मुफ्त में खाता है, जैसे हम लोग कई बार बोल देते ना, हमें कोई मांगे तो बोलता मैं नहीं, मुफ्त का नहीं खाता हूँ, मैं 2 रोटी इसलिए मांगता हूँ क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ, मैं 20 घंटे बैठ के संसार के लिए तपस्या करता हूँ, अगर मैं कमाने जाऊँ तो मैं दूसरों की तपस्या। बोलता नो नो नो, तो जा जा जा, ऐसे करके राजा ने उसको
निकाला। वो उसने बोला भी, राजा तुम्हारा मति मारी गई है, तुम दुर्मति मत करो अपनी, इतना धन है तुम्हारे पास। उसने नहीं सुना, अगर राजा से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा, उसने ये भी बोला। तो जब ऐसा बोला तो एक गाय क्रॉस कर रही थी, राजा ने गोबर उठाया और उसके पात्र में रख दिया। सोचिए जरा अपनी पोजीशन में आके हम क्या क्या कर देते हैं। उसने सोचा, इस नगर में मैं साधना करता हूँ जहाँ का राजा ऐसा नहीं है, ऐसा है। संत लोग तो हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन पता नहीं संत को कितना गुस्सा आया कि इसको इतना गुमान है अपने राजाई पर। उसने उसको जाते जाते ये श्राप दे दिया, जो जिस चीज़ को छुएगा वो गोबर बन जाएगी। जैसे ही राजा के सामने 56 प्रकार के भोग आए, उसने हाथ लगाया तो सारे गोबर बन गए। सब जगह गोबर 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 होने लगा। भागा रानी के कमरे में, रानी के ऊपर भी सारा गोबर 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 हो गया, उसको छुआ तो जहाँ भी देखो गोबर। सोने के पलंग पर सोया तो गोबर, ऐसे लगा आकाश से भी गोबर ही गिर रहा है, छत से गोबर गिर रहा है, चारों तरफ उसके गोबर ही गोबर दिखाई दे रहा था। फिर उसने मंत्री को बुलाया, बोला ये सब क्या हो रहा है। बोलता, किसी का आपने श्राप लिया है, सोचिए सोचिए जरा कौन था। उसने बोला, हाँ वो संत था, ढूंढो उसको, कहीं से भी निकाल के ले आओ। संत आया, उसने बोला, इसकी अक्ल तो ठिकाने लग गई है, लेकिन इसका जो श्राप है वो तो मैं ठीक नहीं कर सकता। हाँ, जो राजा की निंदा करेगा तो इसका श्राप कम होता जाएगा। तो मंत्री ने बोला, आप ऐसा करो, किसी की लड़की उठा के ले आओ, भले उसको बेटी करके घर में रखो, तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। वो लेके आया, लोगों ने जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, लोगों ने दुष्कर्मी, दुष्ट, दुराचारी, क्या 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 उसको बोलते गए, दुष्टता कर रहा है ये सारा। ऐसे ऐसे उसका गोबर कम होता जा रहा था और दूसरों के घर भरते जा रहे थे। सुनिए, जब हम करते हैं हमारे घर गोबर से भरेंगे और उसका ये होगा। फिर क्या हुआ, रास्ते में राजा, अभी थोड़ा गोबर बच गया है, अभी कोई और भी निंदा करे तो होता है। रैदास चमार जा रहे थे रास्ते में, जो जूता बना बना कर ही पॉलिश कर करके भगवान को पा लिया था जिन्होंने, जो मीरा भी उनके पास जाती थी, रानी मीरा, ज्ञान सुनने के लिए। जूतों को गांटते गांटते जिसने पा लिया वो पहुंचे रैदास जी। रैदास जी जा रहे हैं, राजा उन्हें बोल रहा है कि मैंने गलत काम करा है, तुम निंदा करो। वो नहीं सुन रहे, वो अपने ऐसे, हमको रहना चाहिए, कोई करे उसकी तरफ देखो भी नहीं। गुरुओं की भी लोग निंदा करने आ जाते, आप सुनते रहते हो, कभी मत सुनना। गुरु गीता पढ़ते रहना, गुरु गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, जो गुरु की निंदा करे उसको तो वहाँ से निकाल ही दो, गला काट दो, ऐसे बोलते हैं सारे। राजा बोलता जा रहा है, लेकिन रैदास चमार अपनी, तू चंदन मैं पानी, भगवान के उसमें लगा हुआ है, गुनगुना रहा है, वो नहीं सुनता था। उसको क्या करना है, जो करेगा सो भरेगा। सुनिए ध्यान से, शायद हमारी भी आंखें आज खुल जाएं। वो प्रभु भक्ति में लीन था, ऐसे हम भी अपनी प्रभु भक्ति में लीन रहें। एक तो साधक के पास समय नहीं होता है, मैं सेकंड से चलती हूँ, मिनट से भी नहीं। आपको पता मेरे 24 घंटे कैसे चलते हैं, मेरे 24 नहीं होते, मैं 3:20 पर उठती हूँ, पूरे भगवान जी के साथ जुड़ती हूँ सुबह में, तभी आपको ये वाणी बाद में देती हूँ। 3 से 6 मेरा अपना टाइम है, तो 3 अगर लोगों के पास 24 घंटे हैं तो मेरे पास 28 घंटे हैं। उनको भी मैं सेकंड्स में लगाती हूँ। अपनी मेहनत करनी है, औरों की मदद करनी है, घर में संभालना है, गृहस्थ में हो, कितना काम है हमारे पास, दूसरा देखने का समय किधर है। कल को प्राण निकल जाए मैं कहाँ जाऊँगी। ऐसे वो राजा जल रहे थे रैदास चमार, उन्होंने नहीं सुना। राजा ने फिर अपने धुन में जा रहे थे, राजा ने फिर कहा, राजा ऐसे ऐसे हुआ है, मेरी बात तो सुनो रैदास चमार को। फिर लास्ट में जाके वो राजा पाँव में गिर गया, तब रैदास चमार रुके, उसकी कहानी सुनी और बोला कि इसका प्रायश्चित हो गया है, चलो अभी थोड़ा बहुत जो बचा है, जो जिसमें जूते डिबोए हुए थे, गंगा जल नहीं था, देखो पवित्र आत्मा के पास जूते भिगोए हुए पानी से छिड़काव किया और उसके पाप काटे उस राजा के। कितनी दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, निंदा करने वालों का ये नुकसान होता है। आज से ही प्रॉमिस कर लो, 3 बार बोल देती हूँ कि मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगी, किसी की निंदा नहीं करूँगी, किसी के भी पाप कर्म अपने ऊपर नहीं लूँगी।
बोलिए, आप ही मेरे साथ बोलिए, शायद भला हो जाए। बाकी पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है ऐसे समय के लिए। हम अपने को इतना पॉजिटिव ऊर्जा में रखेंगे, जागृत अवस्था में रखेंगे, जैसे हीरे को अंगूठी में घड़ा जाता है, ऐसे मैं अपने को जागृत अवस्था में रखूंगी कि मेरे से ये गलत काम नहीं हो, ऐसा संग भी नहीं हो। ये छोटे संग की बातें होती, जो खुद भी साधना में है, हम भी उसमें हैं, वो संग रखिए। मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी किसकी आलोचना, निंदा, चुगली, ये सब नहीं करूँगी। मैं भगवान जी का, प्यारे भगवान जी का बच्चा हूँ, संयम में रहूंगी मैं। अगर बाय चांस हो जाती है, मैं एक आइडिया देती हूँ, 101 रुपया लेके सुबह किसी गरीब को खाना खिला दो, या मंदिर में भगवान जी को बोलो कि मेरा ये प्रायश्चित का है, ये मैं दे रही हूँ, मेरे से दोबारा गलती नहीं हो। ठीक है, प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। बोलो जोर से आप भी, प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। जो भी है वो प्रेम से वही है, वही है, वही है, वही हमारा संत है। दादा भगवान ने भी यही सिखाया, भगवान जी ने यही सिखाया, तो हम क्यों करें। प्रेम बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिना मुक्ति कहाँ, प्रेम बिना ज्ञान सुना सुना कहे कृष्णा।